गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट बीकॉम पार्ट थर्ड एबीएसटी पेपर फर्स्ट। स्टूडेंट्स, लास्ट जो अपनी क्लास थी उस क्लास में हमने वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की थी। आज स्टूडेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के रूप में न्यूमेरिक क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें अपने पास जो डिटेल है वो देखिए, बैलेंस शीट अपने को दे रखी है। इस बैलेंस शीट में अपने पास इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं, क्रेडिटर्स है, और इसके बाद एसेट्स में हम देखें बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर, बैंक बैलेंस ये दिए हैं, और करंट ईयर का प्रॉफिट स्टूडेंट दे रखा है 3,04,30,000। और अपने को नीचे बताया इसने कि बिजनेस का जो ट्रेंड है वो लास्ट 3 ईयर से 50,000 इंक्रीज ट्रेंड है। लास्ट 3 ईयर से हमारा जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो 50,000 इंक्रीज ट्रेंड है। मींस 3 वर्ष से हम 50,000 रुपये इंक्रीज ट्रेंड में चल रहे हैं। इसके बाद अपने को कहता है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 25%, परफेंस शेयर्स को डिविडेंड देना है और जनरल रिजर्व में 25% ट्रांसफर करना है। उसके बाद नेट एसेट्स मेथड से क्वेश्चन को हल करके अपने को बताना है। नेट एसेट्स मेथड से और यील्ड मेथड से दोनों से क्वेश्चन को हल करना है। अब हम बात करते हैं नेट एसेट्स और यील्ड में। तो नेट एसेट्स से वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में नेट एसेट्स मेथड से हम जब यूज करते हैं तो प्राइमरी कैलकुलेशन के रूप में अपने को नेट एसेट्स कैलकुलेट करनी होगी, उसके बाद वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करनी होगी। इसी प्रकार से यील्ड मेथड में फर्स्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, फिर रेट कैलकुलेट करनी होगी, फिर वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करनी होगी। तो हम नेट एसेट मेथड से ही कैलकुलेट कर रहे हैं फर्स्ट। तो देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, अब नेट एसेट्स में जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो अपन बुक से देखेंगे और देख देख के उसको लिखते जाएंगे। अब क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं उसमें लिख देते हैं, बिल्डिंग अपने पास है 350,000, ये तो है बिल्डिंग। इसके बाद अपने पास है फर्नीचर के रूप में स्टूडेंट्स अपने पास है वो 3,000 रुपये। इसके बाद स्टूडेंट्स अपने पास है स्टॉक 4,50,000 का स्टॉक है स्टूडेंट्स। इसके बाद इन्वेस्टमेंट है 3,55 का, तीन लाख पचपन हजार। इसके बाद अपने को डेटर्स दे रखे हैं 2,28,000 के, और बैंक बैलेंस है 40,000। ये 2,80,000। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू है उसको देख के यहाँ लिखा है, बुक आपके पास है उससे देख के आपको करना है। तो इनका अपन टोटल कर देते हैं, ये इसका टोटल होगा लेस आउटसाइड लाइबिलिटीज होती है, सबको पता है, तो यहाँ लिखेंगे लेस क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में है 48,000, फिर लेस परफेंस शेयर कैपिटल, परफेंस शेयर कैपिटल 1,00,000, लेस परफेंस शेयर डिविडेंड। ये परफेंस शेयर है वो अपने को इसने 8% वाले हैं,
1,00,000 का 8% अपने को करना है 8,000, ये इसमें से लेस कर देंगे। नेट असेस 13,22,000, नेट असेस 13,22,000। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने नेट असेस कैलकुलेट की। नेट असेस में प्रेफरेंशियल कैपिटल और प्रेफरेंशियल डिविडेंड को भी डिडक्ट किया, लेस किया। ये इसलिए किया है स्टूडेंट्स कि प्रेफरेंशियल होल्डरों को हम कुछ राइट देते हैं। क्या क्या राइट देते हैं? कैपिटल का राइट देते हैं, डिविडेंड का राइट देते हैं, बोथ दोनों का राइट देते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में अपने को बोल रखा है कि प्रेफरेंशियल होल्डरों को आपको कैपिटल का राइट देना है और डिविडेंड का राइट देना है, इसलिए दोनों मैंने लेस कर दिए हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन करवाए थे, आप ये चाहो कि भी नेट असेट्स में जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आप लेस करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी लेस कर सकते हो। कहने का मतलब नेट असेट्स में अपने को ये जो राइट दिए हैं वो राइट क्या करना है, लेस करना है, तो अपने ये यहाँ पर भी लेस कर सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूले में भी लेस किया जा सकता है, इससे कोई अंदर आने वाला नहीं है। नेट असेट्स कैलकुलेट हो चुकी है, अब वैल्यू पर शेयर की कैलकुलेशन की जाएगी। तो यहाँ लिख देते हैं पॉइंट नंबर सेकेंड, वैल्यू पर शेयर इक्वल नेट असेट्स डिवाइड में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इक्विटी शेयर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना, इसलिए इक्विटी शेयर्स 13,22,000 ये नेट असेट्स कैलकुलेट किए हमने, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की हम बात करें तो ये 40,000 ये है, ये डिवाइड करती है तो ये आएंगे 33.05 वैल्यू पर शेयर बाय नेट एसेट्स मेथड। तो नेट एसेट मेथड से हमने कैलकुलेट की तो वैल्यू पर शेयर है वो 33.05। फर्स्ट मेथड से स्टूडेंट्स कैलकुलेट हो चुका है, अब हम स्टार्ट करेंगे इसको सेकंड मेथड से करने। अब सेकंड मेथड में अपने को क्या करना होता है, रेंट कैलकुलेट करनी होती है, उसके बाद हम वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करते हैं। अब रेंट करने के लिए अपने को एवरेज प्रॉफिट की जरूरत होती है, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये कैलकुलेट करना होता है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट करना है, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट लास्ट थ्री ईयर की मेरे पास डिटेल है, उससे मैं एवरेज प्रॉफिट कर रहा हूँ। देखिए डायरेक्ट थ्री ईयर की प्रॉफिट की डिटेल अपने पास नहीं है, अपने को कहता है कि लास्ट थ्री ईयर से प्रॉफिट का जो ट्रेंड है वो 50,000 से इंक्रीज ट्रेंड है, उस बेस पर हमने थ्री ईयर के प्रॉफिट की कैलकुलेशन की और उसके अकॉर्डिंग एवरेज किया है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, चार लाख 30,000 है ये करंट ईयर का प्रॉफिट, मतलब फर्स्ट ईयर करंट ईयर का ही। अब लास्ट ईयर का देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 50,000 कम कर दीजिए, लास्ट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा। 50,000 अपन इसमें से कम कर देते हैं तो ये कितने हैं, 1,80,000। इससे पहले देखना है 50,000 और लेस कर दीजिए, 50,000 और लेस करेंगे तो ये आ जाएंगे 3,30,000। समझ आ गया ना, फोर लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का हो गया ये। इसके बाद 50,000 फिर लेस करिए, लेस करने के बाद जो आएगा वो होगा 2,80,000। ठीक है, लास्ट ईयर तो ये दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष। इस प्रकार से अपने तीन वर्ष की कार्रवाई हमने की है। इस प्रकार से आप कितना भी कर सकते हो, इसने तीन बोला है तो तीन करना है, चार बोले तो चार करना है, तो इन तीनों को टोटल करना है अपने को, उसके बाद इसका एवरेज करना है, 3,80,000। ठीक है,
380,000 इन तीनों का एवरेज किया। इसके बाद अपने को एवरेज करने के बाद क्या करना है, इसके लिए अपने को कहता है कि 25% ट्रांसफर टू रिजर्व। तो यहाँ लिखेंगे लेस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 25%। इसका 25% अपने को ट्रांसफर करना है, तो ये आएंगे 95,000। तो 95,000 इसमें से लेस करते हैं, और लेस करने के बाद 2,85,000। इसके बाद अपने को ये प्रॉफिट है इसमें लेस करना है परफेंस शेयर डिविडेंड। परफेंस शेयर अपना जो डिविडेंड है वो 1,00,000 के परफेंस है और 8% वाले हैं, 8,000 अपने इसमें से क्या करेंगे लेस कर देंगे। 8,000 लेस करने के बाद 2,77,000 ये आपका प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर दिस वन 2,77,000। ठीक है, 3 ईयर का प्रॉफिट ये करेंगे, 1 ईयर का 50,000 कंपनी के सेकंड ईयर हो जाएगा, 50,000 फिर कंपनी के थर्ड ईयर हो जाएगा। 3 ईयर के लिए बोला है, 3 ईयर का स्टूडेंट आपको इस प्रकार से पीछे करना है, उसके बाद उसका एवरेज करना है। ठीक है, ये 25% अपने को बोला था, 25% ट्रांसफर कर दिए, 50 बोले 50 कर देना, 20 बोले 20 कर, जितना भी आपको बोले वो कर देना। परफेंस शेयर दे रखे हैं इसलिए परफेंस शेयर को डिविडेंड दिया है, क्योंकि राइट फर्स्ट परफेंस शेयर का होता है डिविडेंड में, डिस्ट्रीब्यूट जब किया जाता है उसके बाद इक्विटी शेयर का होता है। ये जो बैलेंस बचा हुआ है इक्विटी शेयर होल्डरों के लिए प्रॉफिट है, इसके अकॉर्डिंग अपन अब फॉर्मूला लगा के करेंगे, इसको आप नोट करेंगे। हाँ, अब फॉर्मूला लगाते हैं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इक्वल होता है इक्वल प्रॉफिट डिवाइड में इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू हैंडल। प्रॉफिट 2,77,000 इक्विटी शेयर कैपिटल है 4,00,000 इंटू हैंडल। ये फॉर्मूला है रेट कैलकुलेट करने का, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इक्वल होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। तो प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है वो है डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल किए हैं जो अपने बैलेंस शीट में हैं 4,00,000 के इंटू 100 किए हैं, तो ये 69,002.5% ये रेट है। अब स्टूडेंट अपने को करना है वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स इक्वल, वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स इक्वल फॉर्मूला क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेट डिवाइड में एन आर आर इंटू पैर वैल्यू पर शेयर, पैर वैल्यू पर शेयर। तो रेट का स्टूडेंट क्या ही है 69.25 डिवाइड में एन आर आर की रेट अपने को दे रखी है 15%, ये 15% इंटू पैड वैल्यू पर शेयर की हम बात करें तो पैड वैल्यू पर शेयर ₹10 है, ये 10 है, इसे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे तो ये आएंगे 46.17 ये वैल्यू पर शेयर, 46.17 ये वैल्यू पर शेयर बाय एज मैथड। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, दोनों मेथड से हमने कैलकुलेट किया है, फर्स्ट मेथड में नेट एसेट कैलकुलेट करके वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट की, सेकंड मेथड में अपने क्या किया प्रॉफिट कैलकुलेट करके रेट कैलकुलेट की, फिर वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट। इस प्रकार से स्टूडेंट आपको भी यदि जब क्वेश्चन अपन करते हैं तो फर्स्ट अपने को ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन करने की किस प्रकार से स्टार्ट करना है, क्या प्राइमरी कैलकुलेशन आएगी, तो आप इजी वे में उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। और इसके लिए आपको मैंने जो फॉर्मेट लिखवा रखा है, इनके फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, वो सभी आपको याद हो,
कहने का मतलब स्टार्टिंग की जो क्लासे है वो आपने अटेंड की है तो आसानी से आप ये कर सकते हो, ठीक है। कहने का मेरा मतलब ये है कि स्टार्टिंग की जो क्लासे है वो भी आप देखना, उसके अकॉर्डिंग ये समझ में आते हैं कि हम जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद अपने माइंड में आना चाहिए कि किस प्रकार से क्या स्टेप है और किस स्टेप से उस क्वेश्चन को हल किया जाता है। क्वेश्चन रीड कर लिया उसके बाद बैठे हैं कि कैसे करें कैसे करें, आपको कुछ पता ही नहीं है तो कैसे स्टार्ट कर पाओगे। इसके लिए आपको उसकी प्राइमरी कैलकुलेशन होती है वो पता होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आसानी से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यस, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें अपने पास क्रेडिटर्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, बैंक लोन है, 8% डिवेंचर दे रखे हैं और शेयर कैपिटल दे रखी है। इसके बाद असेट्स में हम देखें प्लांट मशीन है, गुडविल है, स्टॉक है, बिल्डिंग है और डिवेंचर है, ये सभी डिटेल अपने को दे रखे हैं। और लास्ट 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट अपने को कैलकुलेट करके बताना है, लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं, तो लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट है उससे आप स्टूडेंट क्या करोगे उनका एवरेज कर देना तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर कहता है कि आपको ट्रांसफर करना है रिजर्व में 20%, तो अभी मैंने 25% किया था वैसे 20% आप ट्रांसफर कर देना। और दोनों मेथड से कैलकुलेशन करनी है, जैसे इसमें हमने दोनों मेथड से किया ना सेम वैसे ही इस में भी आपको दोनों मेथड से कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 किया है उसी स्टेप से अपने को क्वेश्चन नंबर 10 करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में वो ही स्टेप रहेंगे, आप चाहो तो दो पॉइंट भी इसको हल कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट ऐसे लिख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू पर सेल बाय नेट एसेट मेथड, और नेट एसेट्स में सब पॉइंट 2 लगा सकते हो कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, सेकंड में वैल्यू पर शेयर। ये तो अपना फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट में आप ऐसे लिख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू पर सेल बाय यील्ड मेथड, और यील्ड मेथड में आप फर्स्ट पॉइंट लगाओगे क्या प्रॉफिट कैलकुलेट करना, सेकंड पॉइंट लगाओगे रेट कैलकुलेट करना, थर्ड पॉइंट में आप लिखोगे वैल्यू पर शेयर। इस प्रकार से भी अपन अलग अलग तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं, कहने का मतलब दोनों मेथड से अपने को हल करना है, ठीक है। अलग अलग पॉइंट लिखने से बेनिफिट ये रहता है कि अगला जो कॉपी चेक करता है उसको भी आसानी से समझ में आए कि बच्चे को कितना आता है कितना नहीं आता। आप कंटिन्यू पॉइंट चलते रहते हैं तो कॉपी चेक करने वाले सर ये समझ जाते हैं कि इसको पता ही नहीं है कौन सा फर्स्ट मेथड है, सेकंड मेथड के क्या पॉइंट होते हैं, फर्स्ट मेथड के क्या, तो आप सेपरेटली बताते हो कि भाई फर्स्ट मेथड में ये है, तो कॉपी चेक करने वाले सर को भी ये पता लग जाता है इस बच्चे को इसकी पूरी थीम आती है। और कंटिन्यू कि भी कितने पॉइंट है, आपने सभी पॉइंट मिक्स कर रखे हैं तो फिर वो सर समझ लेते हैं कि इसको आता नहीं, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट ये चल रहा है, इसका मतलब इसको यही नहीं पता है कौन सा मेथड कंप्लीट हो गया है कौन सा स्टार्ट हो गया। इसलिए इस चैप्टर की थीम जिस बच्चे को समझ में आई है वो आसानी से कर सकता है, ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूँ आप इसको करते रहना, कैसे करना है पूरा मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू पर शेयर बाय नेट असेट्स मेथड, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू पर शेयर बाय नेट असेट्स मेथड, ये तो अपना फर्स्ट पॉइंट है। अब इसमें सब पॉइंट 2 लिखने हैं आपको, फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट्स, नेट असेट्स। अब स्टूडेंट्स अपनी बुक में देखिए असेट्स में अपने को क्या क्या लिखना है, प्लांट मशीन, गुडविल, स्टॉक, बिल्डिंग और डेटास। फिर रिपीट करता हूँ, प्लांट मशीन, गुडविल, स्टॉक, बिल्डिंग, डेटास, ये सभी लिख देना, इनका टोटल करना, ये तो असेट्स होंगे। फिर लेस में क्या क्या करना है, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, बैंक लोन और डिवेंचर, 4 पॉइंट लेस करने हैं, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, बैंक लोन और डिवेंचर, ये स्टूडेंट लेस कर देना, आपकी नेट असेट्स 4,20,000 आएगी, कितनी आएगी 4,20,000। उसके बाद सेकंड पॉइंट फर्स्ट का ही, फर्स्ट पॉइंट का सेकंड पॉइंट वैल्यू पर शेयर, वैल्यू पर शेयर
इक्वल नेट एसेट डिवाइड में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो नेट एसेट्स में 420, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में 20,000, ये करके ये आएंगे 21 पर शेयर, वैल्यू पर शेयर 21 आएगी। ये तो अपना फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड में स्टूडेंट्स मैं बता देता हूँ क्या करना है, लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट है तो उनका एवरेज करना, फिर जो भी आए उसमें लेस कर देना, लेस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 20%, ठीक है। प्रेफरेंशियल अपने पास थे नहीं, इस क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल भी थे तो प्रेफरेंशियल मैंने लेस किए थे, अब प्रेफरेंशियल नहीं है तो इसके बाद 20% लेस करने के बाद जो आए उसको लिखना प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मूले लगा के हल कर देना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक्स।